आज हम मेलिन ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा उसके बाद में फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा और अब हम मेलिन ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लेट ए फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड फॉर एक्स इज लाइन बिटवीन जीरो टू इन्फिनी देन द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डिनोटेड बाई कैपिटल एम इंटू एफ एक्स पी और से कैपिटल एफ पी इज डिफाइंड एज कि मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन एफ एक्स डीएक्स वेर एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन इज नोन एज द कर्नल ऑफ द मेलिन ट्रांसफॉर्म ये कर्नल चेंज हो रहा है लिमिट भी चेंज हो रही जो भी है स्थितियाँ अलग जो है, अलग जो ट्रांसफॉर्म है उनकी अलग अलग स्थिति है एप एक्स के इंटू में यहाँ पर ई रेज टू पावर पी माइनस वन है हमने पीछे पढ़ा ई रेज तो टू पावर आईटा पी एक्स पढ़ाए हैं और पीछे पढ़ा हमने तो अलग अलग है इसको कर्नल बोलते हैं हम मेलिन ट्रांसफॉर्म में कर्नल रहेगा एक्स रजिस्टू पॉवर पी माइनस वन अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्केल प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है दो देखिए मेलिन ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट इफ मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एप एक्स इज कैपिटल पी देन द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एप ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू पावर माइनस पी हमें प्रूव करना है कि जब मेलिन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का कैपिटल एफ पी होता है तो मेलिन ट्रांसफॉर्म हमारे को Ax, Ax का निकालना है जो कि इसके बराबर होगा माइनस पी इन एफ पी नाव बाई द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्म वी हैव मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टूट टू पावर इन्फिटीव एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन एफ एक्स डी एक्स ये हमने मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी है उससे हमने एफ एक्स का मेलिन ट्रांसफॉर्म लिखा अब एफ एक्स कीज गई यदि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो दोनों साइड में एफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए एक्स का मे ट्रांसफॉर्म लेना चाहेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो यहाँ आ गया राइट हैंड साइड में भी एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन एफ ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स लिमिट इंटीग्रेशन वही है और लिमिट में इंटीग्रेशन की वही है नाउ पुटिंग एक्स इज इक्वल टू टी देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए इसका डिफेनिशिएशन क्या डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए अब x की लिमिट यदि जीरो देंगे तो t की लिमिट भी जीरो आएगी और x की लिमिट यहाँ इन्फाइनाइट रखेंगे तो t की लिमिट भी इन्फाइनाइट आएगी इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन वेरिएबल हमने चेंज किया तो उसकी वैल्यू पुट करने पर द मिलन ट्रांसफॉर्म ऑफ एपोपी एक्स दिस इज इक्वल टू तो आएगा जीरो टू तो इन्फिनिटी एक्स की जगह आएगा टी पोन ए एक्स बराबर टी लिया तो एक्स बराबर टी पोन ए रख दिया हमने और पावर जो दे रखी थी पी माइनस वन है और एफ ओ एक्स की जगह हमने टी रख दिया तो एफ टी आ गया और डी एक्स की जगह डी टी पोन ए रख दिया इंटीग्रेशन की लिमिट हमने अभी देखा है सेम रहेंगी जो पहले थी जीरो टू इन्फिनेटी चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें नीचे ए के ऊपर पी माइनस वन पावर अलग कर दी हमने और एक ए के ऊपर यहाँ पर एक पावर है तो ए के ऊपर पी पावर हो गई जो नीचे है हर में है इसलिए इसको हमने बाहर कर दिया वन ओ ए रेज टू पावर पी और इंटीग्रेशन आ गया जीरो टू इन्फानेट टी रेस टू पावर पी माइनस वन एफ टी डी टी और ये मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है यहाँ केवल वेरिएबल चेंज किया हमने और डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज होने से कोई मान में फर्क नहीं पड़ता यहाँ मेलिन ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन पड़ती उसमें एक्स है और यहाँ पर हमारे पास टी है और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि इसका मान वही आएगा मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ पी एंड देरपोर द दे मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स दिस इज इक्वल टू ए रिज टू पावर माइनस पी ऊपर गया एंड कैपिटल एफ पी और कैपिटल एफ पी क्या है मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ पी देन द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू पावर ए इंडिसक टू कैपिटल एफ ऑफ पी प्लस ए एक्स टू पावर ए से यदि मल्टीप्लाई करके फंक्शन को हम मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो जहां पी था वहां पी प्लस ए हो जाएगा मेलिन ट्रांसफॉर्म जो आया था पी के अंदर कैपिटल एफ पी उसमें p की जगह पी प्लस ए हो जाता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है हम देखते हैं क्या होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्म वी नो दैट द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफेक्स दिस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर पी माइनस वन एफ एक्स डे ये हमने मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी है और अब देखिए ऊपर हमारे पास हमें जो निकालना है वो मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है एक्स टू पावर ए इंटू एफेक्स मीन जो फंक्शन है उसकी जगह हमारे को ये फंक्शन काम में लेनी है तो दोनों साइड में जहाँ एफेक्स है उसकी जगह एक्स टू पावर ए इंटू एफेक्स रखें हम इस डेफिनेशन में तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या था मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज़ टू पावर ए एफ एक्स तो पी एंड दिस इज इक्ल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन और एफ एक्स की जगह हमने लिखा एक्स रेज टू पावर ए इंटू एफ एक्स और इंटू डी एक्स देखिए यहाँ पर एक्स पर पी माइनस वन पावर एक्स पर ए पावर और आगे इंटू में माइनस वन तो एपेक्स और डी एक्स अब इस पी प्लस ए को हम इसकी जगह कोई कैपिटल पी दूसरा पी रखें तो यहाँ पी प्लस ए को हमने एक साथ किया माइनस वन और एपेक्स डीएक्स मेलन ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसको इससे कंपेयर करें तो पी की जगह हमारे पास क्या है पी प्लस ए है एंड देरपोर दिस इज इक्वल टू कैपिटल एप हो पी प्लस ए कैपिटल एप मेलिन ट्रांसफॉर्म एप एक्स का है और यहाँ पर पी की जगह पी प्लस ए है और इसलिए हमने पी प्लस ए पुट कर दिया एंड देरपोर द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेस टू पावर ए इंटू एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल पी प्लस ए तो ये इस प्रकार से सेकेंड प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इकिटल एफ पी दैन दिल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स रजिस्टू पावर ए अब जो फंक्शन है उसकी जगह हमने एक्स की जगह एक्स रजिस्टू पावर तो ए पुट कर दें तो देखिए मेलिन ट्रांसफॉर्म कितना हो जाता है एंड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन ए कैपिटल एप ऑफ पी प्लस ए यानी p की जगह तो p प्लस ए लिखा ही जाएगा साथ में वन पॉइंट ऐसे इंटू में हो रहा चूंकि ए का मान क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए नहीं तो ये वैल्यू नहीं आएगी इसलिए यहां पर ए इज ग्रेटर देन क्या है जीरो ए जो पावर है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्म वी हैव द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो हमने मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी और अब जो फंक्शन है एफ एक्स उच हम लिखेंगे ऐप ऑफ एक्स रेज टू पावर ए तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के अंदर हम ऐप एक्स की जगह चेंज कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं उसको एप ऑफ एक्स रेज टू पावर ए से तो हमारे पास आता है द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एप ऑफ एक्स रेज टू पावर ए एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन एंड ऐप ऑफ एक्स रेज टू पावर ए डी एक्स एंड नाउ देखिए x रेज टू पावर a जो हमारे पास x की जगह इसको यदि हम t ले लें तो x बराबर हो जाता है t रेज टू पावर वन अपॉन ए एंड देर डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो वन अपॉन ए टी रेस टू पावर वन अपॉन ए माइनस वन देश इज इक्वल टू वन माइनस ए बाई ए और वन अपॉन ए वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन में और लिमिट देखिए जब एक्स की जगह जीरो देंगे तो टी की जगह जीरो आएगा एंड एक्स की जगह इन्फाइनिट देंगे तो टी की जगह ए पॉजिटिव है इसलिए ये यदि नेगेटिव -ने तो वन अपॉन इन्फिनिटी होकर के वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन यहाँ ए पॉजिटिव है इसलिए इंफिनिटी ऊपर रहेगा और इसलिए जीरो से इन्फिनिटी जो लिमिट है इंटीग्रेशन को चेंज नहीं होगी एंड देर फॉर द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एप ऑफ एक्स इज टू पावर ए एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर पी माइनस वन अपॉन ए ये देखिए एक्स की जगह हमारे को फुट करना है एक्स की जगह एक्स रेज टू पावर एक्स की जगह हमारे को टी रेज टू पावर वन अपॉन ए पुट करना है तो यहाँ टी रेज टू पावर वन अपॉन ए पुट करेंगे तो पावर हो जाएगी पी माइनस वन अपॉन ए देखिए यहाँ पर टी पुट किया हमने एक्स की पावर ए की जगह तो एप ऑफ टी और डी एक्स की जगह हमारे को ये रखना है वन पोन ए टी रेज टू बार वन माइनस ए पोन ए इन डी टी जो भी कॉन्सेंट है वन अपन ए इसको हमने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन ये हो गया जीरो टू इन्फिनेटी टी रेज टू बार पी पोन ए माइनस वन माइनस वन इसलिए कि यहाँ का यहाँ का t की जो पावर है उनको सारी टोटल करेंगे तो यहाँ देखिए पी पोन ए और माइनस वन पोन ए होता है जबकि यहाँ प्लस वन पोन ए और माइनस वन है तो वन पोन ए कैंसिल हो जाएगा माइनस वन आ जाएगी देर पर पी पोन ए माइनस वन टी की पावर बचेगी एफ टी डी टी है अब इसको हम देखें तो देखिए ये मेलिन ट्रांसफॉर्म ही है पी की जगह तो पी पोन ए पड़ा हुआ है बाकी सारा मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स ही है यहाँ जो देरखा है कि द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए पी और यहाँ मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से देखें यहाँ पर एक्स रेज तो टू पावर पी माइनस वन है या टी रेज टू तो पावर पी माइनस वन है पी की जगह तो पी वाई ए है और एफ टी डी टी है इसलिए दिस इज इक्वल टू वन पॉन ए एंड कैपिटल एफ ऑफ पी पोन ए इसको भी हमने इस तरह से प्रूव कर दिया तो इस प्रकार से हमने मेलिन ट्रांसफॉर्म की तीन प्रॉपर्टी पढ़ी हैं देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं अपन इसके ऊपर। ये ये निकालना है हमारे को साइनक्स का और x का तो देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन को देखें तो ये है जीरो टू इन्फिनेटी इंटीग्रेशन एक्सटूपन रेस्टोपार माइनस आई टू एक्स dx दिस इज इक्वल टू होता है upon, P, गामा पी पोन आइटा के पावर पी वेर द रियल पार्ट ऑफ पी इज ग्रेटर देन जीरो गामा फंक्शन की हमने डेफिनेशन लिखी है और अब हम आगे बढ़ते हैं दिस एम्प्लाइज एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन ई टू पावर माइनस आयोटा एक्स को हमने खोल दिया ये हो गया कोश एक्स और माइनस आयोटा साइन एक्स और डीएक्स दिस इज इक्वल टू आई पी ये आईटा की पावर पी नीचे इसको हम ऊपर ले गए तो आईटा के पावर हो गए माइनस पी इधर देखिए इसको हम यदि दो टुकड़ों में खोल देते हैं तो एक रियल पार्ट आएगा एक इमेजिनरी पार्ट आएगा राइट हैंड साइड में जो आयोटा है पहले इसको सोल्व करते हैं गामा पी तो पड़ा हुआ है और आयोटा को हमने लिख दिया कोस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू क्योंकि कोश पाई बाई टू जीरो होता है आयोटा साइन पाई बाई टू एक होता है इसलिए आयोटा ही है ये और आयोटा के ऊपर पावर माइनस भी है अब हमने डिमोर्गन जो थॉर्म पढ़ी है उसके हिसाब से हमारे पास क्या होगा ये पावर जो है ये कोण में आ जाएगी गुणा में आ जाएगी तो पावर जो माइनस भी है यहाँ पर आ जाएगी तो ये हो जाएगा कोश ऑफ माइनस पी बाय बाय टू प्लस आयोटा साइन माइनस पी पाई बाई टू साइन में से माइनस बार आ जाएगा कोस माइनस सीटा इक्वल टू कोस सीटा होता है तो कोस ऑफ पी पाई बाई टू और साइन का माइनस बार आ गया तो माइनस आयोटा साइन पी बाय बाई टू अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का हम इक्वल कर दें इक्वेट कर दें कंपेयर कर दें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आएगा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर पी माइनस वन कोस एक्स डी एक्स रियल पार्ट है इधर राइट हैंड साइड में रियल पार्ट आएगा गामा पी इन टू कोस ऑफ पी पाई बाई टू इसी प्रकार से इमेज पार्ट को हम इक्वेट करते हैं तो आता है एक्स एक्सरेज टू तो पावर पी माइनस वन साइन एक्स डीएक्स माइनस का निशान इधर ही माइनस इधर भी है दोनों का माइनस हट जाएगा इधर आ गया गामा पी इंटू साइन पी पाई बाई टू तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये क्या है जीरो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेट टू तो पावर पी माइनस वन कोश एक्स डी एक्स ये कोश एक्स जो फंक्शन है उसका मेलिन ट्रांसफॉर्म ही है और ये किसके बराबर होता है गामा पी इंटू कोश पी पाई बाई टू और इसी प्रकार से ये साइन एक्स जो फंक्शन है उसका मेलिन ट्रांसफॉर्म है और जो किसके बराबर होगा गामा पी इंटू साइन पी फाइव बाई टू वेयर रियल पार्ट ऑफ पी इज लाइंग बिटवीन जीरो टू वन थैंक यू